उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर डालीबाग स्थित खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया गया है। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री राकेश सच्चा ने इस माटी कला मेला का उद्घाटन किया। वहीं इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिल्पकारों और कारीगरों ने अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगाए और माटी कला बोर्ड की तरफ से इन कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए गए। वहीं जब लघु उद्योग मंत्री राकेश सच्चा ने कलाकारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि माटी कला से बने उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही है। कलाकारों ने कहा कि इससे प्रदर्शनी की खास बात तो ये है कि इसमें सारे उत्पाद हैंडीक्राफ्ट है जो बिना मशीन के हाथों से बनाए गए हैं। हस्तशिल्पी कारीगर हैं, लोग हैं, इनकी परिवार भी चलता है, इनकी आमदनी बढ़ती है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करेंगे दिवाली के अवसर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनमानस से अपील करेंगे कि जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं इनके द्वारा उत्पाद, मिट्टी के उत्पाद हो चाहे खादी के उत्पाद हो, खादी का उत्पाद बिकता है तो तमाम बुनकरों की आय बढ़ती है। हमारे इनकी आय बढ़ाने के लिए अपील करेंगे कि आज माननीय डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी योगी जी के आह्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सामानों को खरीदें।